सो हेलो, वेलकम बैक टू रसोई द फ्लेवर्स ऑफ नेशन। मैं हूँ निकुल, यश नहीं है यहाँ पे, और मुझे आज खाने का मन कर रहा है समोसे। गर्मा गर्म समोसे खाने मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा, पर मुझे तो बनाने नहीं आते, यश को आते हैं। तो अगर वो आए तो बनाएगा ना, पता नहीं कहाँ पे बिजी है। लेकिन अगर मुझे समोसे खाने हैं, लेकिन ना वो आटा लगाना, मैदा बनाना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। झटपट से अगर ऐसी रेसिपी मिल जाती ना भाई, मज़ा आ जाता है कि नहीं। हाँ भाई, समोसे खाने आ गया, समोसे खाने हैं इनको। मैं हूँ ना, मैं बनाऊँगा आपके लिए और इसके लिए, बिना आटे गूंदे, बिना मैदा के समोसे। आज हम बनाएंगे ब्रेड के समोसे। भाई तू भी देख लेना और आप भी देख लो किस तरह से हम बनाएंगे आज ब्रेड के समोसे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, तो ये होने वाली है एकदम अमेजिंग सुपर डिलीशियस। तो भाई इंतज़ार हम करेंगे नहीं ज़्यादा। सबसे पहले एक बाउल में लूँगा मैं प्रोसेस चीज़। आप चाहे तो मोज़रेला इसके अंदर यूज़ कर सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा टेक्सचर आएगा उसका भी। चीज़ लेने के बाद हम डालेंगे इसके अंदर ग्रीन चिली। ग्रीन चिली आप अपने हिसाब से लेना, क्योंकि इस चीज़ को ज़्यादा स्पाइसी पसंद होता है, किसी को कम स्पाइसी पसंद होता है। फिर डालूँगा मैं इसके अंदर एक छोटा चम्मच गार्लिक ग्रिल किया हुआ। फिर डालूँगा प्याज, प्याज को भी हमें बारीक 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 काट लिया है चॉप करने के बाद, वो भी इसके अंदर मैं डाल दूँगा। सिंपल रेसिपी है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हम ज़्यादा करेंगे नहीं इसको। उसके बाद ये जो है मैंने कॉर्न कॉर्नर जो है मकई के दाने जो मैंने बॉईल किए हैं, एंड बॉईल करने के बाद इसको अच्छे से ड्राई करके एक टावल के ऊपर रख दो, ड्राई हो जाएंगे। फिर इसके अंदर डालूँगा मैं धनिया और इसको एक अच्छे से मिक्स कर दूँगा ताकि अच्छा मिक्स हो जाए। नमक भी हम डालेंगे इसके अंदर, नमक डालना बहुत ज़रूरी है, लेकिन नमक ध्यान से डालेंगे क्योंकि नमक इसके अंदर ऑलरेडी है। चीज़ के अंदर जो है नमक रहता है गाइस, तो नमक थोड़ा सा कम डालेंगे। नमक वगैरह डालने के बाद इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे, मिक्स 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 मिक्स। और ये देखिए हमारा मिक्सचर बन के तैयार है। इसको कर दूँगा मैं साइड में और फिर आइए हमारे बनाते हैं ब्रेड के समोसे। एक ब्रेड के स्लाइस लूँगा मैं यहाँ पर और उसको बेलन की मदद से अच्छी तरह से फैला देना, जैसे रोटी हम बेल दें गाइस उसी तरह से इसको अच्छे से बेलेंगे। चारों तरफ से इसको बेल के एकदम फ्लैट बनाना है ना। फ्लैट मैं इसे इस तरह से बना लूँगा, ये देखिए, घबराना नहीं है आपको, फ्लैट बनाना है। फिर क्या करूँगा, नाइफ से इसके साइड से कट्स निकाल लूँगा। अब इसके अंदर का साइंस क्या है कि कट्स निकालने से ये जो इवनली हो जाती है ना, जब ये इवन हो जाएगी तो समोसे बनने में ईजी नहीं होगी। फिर जो इसके जो बाकी जो कॉर्नर्स हैं, शार्प कॉर्नर्स, वो भी मैं शार्प नाइफ से इसको ट्रिम कर लूँगा, है ना। अभी जैसे कॉर्नर्स भी इसके ब्लंट हो गए एकदम, है ना। अब क्या होगा, अब मैं इसको एक और बार फ्लैट करूँगा रोलिंग पिन से, हमारे बेलन से फ्लिप करके भी एक बार इसको फ्लैट कर दूँगा। फिर इसको हम बीच में से काटेंगे, हमें ट्रायंगल शेप लाना है, क्योंकि समोसे की पट्टी जो होती है जो मैदे से बनाते हैं वो भी ट्रायंगल शेप की होती है। अब क्या करेंगे, एक एज जो लेंगे ट्रायंगल का, उसको बीच में से जॉइंट कर लेंगे, एक कोन शेप दे देंगे हम। कोन शेप देने के बाद जो टॉप दो एज जो बचेंगे उसको सील करना है हमें। ये देखिए आप पानी लगा सकते हो, पानी लगाओगे तो थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी अगर आप पहली बार कर रहे हो तो। ये देखिए मैं भी थोड़ी देर थोड़ा थोड़ा पानी लगा ही रहा हूँ, इसके अंदर रिस्क नहीं लेना है हमें, ब्रेड है। फिर इसके अंदर हमारा जो चीज़ और कॉर्न का जो स्टफिंग हमने रेडी किया था वो मैं इसके अंदर डालूंगा और इसको जो है सील कर दूंगा। सील कैसे करना है हमें, या तो आप नीचे रख के अपनी उंगली से इसको अच्छे से प्रेस कर सकते हो, या फिर नाइफ से प्रेस करो और जो एजेस है उसको ट्रिम कर दो। इसी तरह से मैं सारे के सारे ब्रेड के समोसे बना लूँगा, फटपट झटपट तैयार। ये देखिए सेम प्रोसेस हम रिपीट करेंगे सारी ब्रेड के साथ। और ये जो बनने के बाद हमें इसे रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, है ना। ये देखिए इस तरह से ये वाला समोसा भी मैंने कर दिया है। 4 से 5 मिनट में इसे रेस्ट दूंगा ब्रेड के समोसे बनने के बाद। फिर इसे मीडियम ऑयल पे फ्राई करेंगे। ऑयल अगर ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो ब्रेड सारा ऑयल चूस लेगी, सोख कर लेगी, तो मीडियम हॉट ऑयल पे इसे फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। एकदम क्रिस्पी करारे चीज़ी समोसे बन के तैयार होगा। जो इसके अंदर की गार्लिक की खुशबू, प्याज की खुशबू, जो धनिया डाला है वो, एक चिली की खुशबू जो आएगी ना, बेहतरीन आएगी। ये देखिए वाह 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 वाह, हाय 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 हाय, मोहब्बत हो तो समोसे जैसी बना ना हो यार, ऊपर से करारे और अंदर से चीज़ी।
क्या बात करिए यार। ठीक है तो समोसे बन के तैयार है गाइस, इसको भी मैं निकाल दूँगा। ज़्यादा अगर ज़्यादा देर तक अगर हम इसे ऑयल में रखेंगे ना तो क्या होगा, चीज़ ज़्यादा मेल्ट होके ऑयल में गिर जाएगा और समोसे पूरे फट जाएंगे, है ना। तो ये समोसे बन के तैयार है, ये फर्स्ट बैच मैंने फ्राई किया है, बाकी के समोसे मैंने अंदर रख दिए है। जैसे जैसे मन करेगा वैसे वैसे फ्राई करके खा सकते हो आप। ये देखिए वाह, है ना, एकदम चीज़ी समोसे तैयार। ये देखिए एकदम ऊपर से जो टॉप है वो एकदम इसका क्रिस्पी है ना, ऊपर से टॉप एकदम क्रिस्पी है इसका। इसको आप मिंट चटनी या फिर केचप के साथ खा सकते हो, परफेक्ट रहेगा। केचप के साथ मैं कहता हूँ केचप के साथ खाओ, बेस्ट रहेगा। मैं आपको उसको खोल के दिखाऊंगा किस तरह से अंदर का जो चीज़ है वो एकदम मेल्ट हो चुका है। हाँ हाँ हाँ, ये देखिए धनिया जो है, प्याज है, कॉर्न है, इसके अंदर चीज़ मेल्ट हो चुका है, परफेक्ट। बहुत अच्छे बने थे गाइस, अगर ये लोग खा पाते ना यार, वो कौन चीज समोसे एकदम टेस्टी यार, ऐसा चीज जो मुंह में हो रहा था ना भाई, मजा आ गया था भाई, मजा आ गया। इन सिंपल रेसिपी भाई आपको कोई देने नहीं वाला है, ब्रेड के समोसे है, झटपट बनाना है, सिर्फ स्टफिंग करना है, फ्राई करना है, दैट्स इट। इतनी सिंपल रेसिपी है ना, उसको इतनी पसंद आ रही है। ये बात इम्पोर्टेंट कि भाई आप लोग भी घर पे यही रेसिपी ट्राई करो, झटपट ब्रेड समोसा, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। धन्यवाद।